प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम कृणाल राजेश वाघेला है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। प्रश्न मेरा ऐसा है कि मैं चार अवस्थाएं बताना चाहता हूँ, उसमें भिन्नता क्या है और समानता क्या है ये समझना चाहता हूँ। तो पहले तो ये प्रश्न आपका क्या, चार अवस्थाएं बताना चाहता हूँ? नहीं, प्रश्न ये है कि ये चारों अवस्था में क्या समानता है क्या भिन्नता है। तो अवस्थाएं जो है मैं बता रहा हूँ। तो एक तो है कि किसी सक्षम मनुष्य देह जिसका है उससे शक्ति पाठ होके कुंडलिनी जागृत होना या ऊर्ध होना। दूसरा है किसी देवी शक्ति से जिसका देह नहीं है इनसे शक्ति पाठ होके कुंडलिनी जागृत होना या ऊर्ध होना। तीसरा, शक्ति पाठ ना होके जब देवी शक्ति का या पितरों का आवाहन किया जाता है और जो उपस्थित होते हैं वो, तो जैसे वो ब्रह्म शक्ति का रूप है, तो अगर नाड़ी शुद्धि हो तो क्या कुंडलिनी जैसे खुद ऊर्ध हो जाती है? और चौथी अवस्था ये कि जैसे देवी शक्ति या पितृ शक्ति से किसी अवसर पे जैसे कुछ पूजा हो या तर्पण किया जाता है या नारायण बलि हो, तो इसमें उनसे पूछा जाता है कि जैसे मतलब वो जवाब देते हैं जैसे कि मतलब शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या परकाया प्रवेश हो गया कि उसी उस अवस्था में भी कुंडलिनी ही जागृत होती है और जवाब देती है? तो ये चारों अवस्था में क्या समानता है क्या भिन्नता है? आपने एक शब्द बोला नारायण बलि, आप ये तो कर्मकांड में आ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, पितरों के विषय में बोला, वैसे मैं जानता हूँ लेकिन आपसे स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि पितर आप किसे समझ रहे हैं? जो हमारे पूर्वज है, जो 71 पीढ़ी पहले जो गुजर चुके हैं उन... बस ठीक है ठीक है, इसी से संबंधित, बस बस यही, जो हमारे पूर्वज हैं गुजर चुके हैं और ऊपर रहते हैं, पितृनी को कहते हैं, तभी तो उन्हें पिंडदान वगैरह पितृदान साल में करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कुंडलिनी जागरण के लिए भिन्न भिन्न पूछा है। देखो, कुंडलिनी जागरण के लिए जो यहाँ का भूलोक में मार्गदर्शक या जिसको कुंडलिनी जागृत है और वो भी एक निश्चित अवस्था तक उसको यानी आंतरिक विकास कर लिया है, या कुंडलिनी जिसकी कंठ को पार कर गई है और खास तौर से अगर ब्रह्मरंध्र खुला है तब तो ठीक है, वही जागृत कर सकता है। कंठ खुल गया है, अगर साधक बहुत ही तेज तर्रार है तो उसके द्वारा जागृत हो सकती है, अगर सुपात्र है अभ्यासी जिसकी कुंडलिनी जागृत करना चाहता है। अगर उसके अंदर तमोगुण ज़्यादा होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि उसका योग बल घट जाएगा और उसकी कुंडलिनी जो ऊपर गमन कर रही, ऊपर तक जा रही, धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन बाद अभ्यास के बाद फिर वहीं ऊपर चली जाएगी। अर्थात जिसकी कुंडलिनी जागृत है वही दूसरे की कुंडलिनी जागृत कर सकता है, ऐसा समझे, एक निश्चित अवस्था तक उसने गति अगर कुंडलिनी कर रही दो। हाँ, अगर सूक्ष्म शक्तियाँ प्रसन्न हैं, मुझे नहीं पता कैसे प्रसन्न उस पर होंगी अभ्यासी पे, अगर प्रसन्न हो रही हैं तो जरूर कुछ न कुछ उसने किया होगा, यानी आध्यात्मिक पुण्य कर्म कुछ किए होंगे तभी तो प्रसन्न होगी, नहीं तो क्यों संसारी मनुष्यों पर प्रसन्न होगी। खैर, आपका जो प्रश्न था, दिव्य शक्तियाँ हाँ जो इस स्थूल शरीर में नहीं है प्रसन्न है या करना चाहती हैं तो कुंडलिनी बड़ी जल्दी जागृत हो जाएगी, वो उसके स्वामी होते हैं, शक्ति के स्वामी होते हैं। अगर दिव्य शक्ति हैं वो तो कुछ भी, वो कृपा कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन पितर, पितर अगर हमारे यानी किसी के भी पितर अगर जो कुंडलिनी उनको पूर्व काल में जागृत रह चुकी है, एक निश्चित अवस्था तक गुरुपद पर रह चुके, लेकिन कुंडलिनी की एक निश्चित गति हो चुकी है, अगर कोई ऐसा है तो जागृत कर सकता, अगर वो सामान्य है तो बिल्कुल संभव नहीं है। वही जब उनको है ही नहीं इसको तो कैसे कुंडलिनी ऐसे नहीं जागृत होती, शक्ति पाठ करना होता है, भले दिखे या ना दिखे। मान लो मैं तो कैमरे की वजह से अंगूठा लगाता हूँ, जरूरी नहीं मैं पहले या अन्य साधकों का आँखों से करता हूँ, आँखों से किरणें निकालता हूँ, करता हूँ, नहीं टच करता हूँ, तो कहने का शक्ति किसी भी रूप से शक्ति पाठ हो जागृत हो जाएगी। लेकिन पितरों में जिन्होंने यहाँ साधना नहीं की
वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत ऊपर है नहीं, पितरलोक में रहते हैं पितरलोक। पितरलोक का जो एक सामान्य व्यक्ति है वो कुंडलनी जागृत नहीं कर सकता है। हाँ, देवलोक के जो शक्तियाँ हैं वो कुंडलनी जागृत कर सकती हैं, लेकिन उन देवलोक की शक्तियों को प्रसन्न करना होगा किसी भी रूप में, पूजा पाठ से, भक्ति से। तो बात अगर आप ये करेंगे यानी अभ्यासी करेगा तो उसका शरीर भी शुद्ध होने लगेगा, उसकी अवस्था आ जाएगी। यहाँ का योगी नहीं तो ऊपर वाले यानी दिव्य शक्तियाँ कुंडलनी जागृत कर देंगे, पितृलोक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी पूर्व काल में जागृत नहीं हुई है। मैं उनकी बात करता हूँ जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you.